And he said yes. So yesterday we congratulated India for landing a lunar module on the moon. So maybe he'll be outlining the scientific aspects of how the lunar module is going to proceed forward. Prime Minister. एक्सेलेंसीज, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मेरे मित्र रामाफोसा जी को इस ब्रिक्स समिट के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि तीन दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्योर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध है, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। फ्रेंड्स, ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। यह एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम
भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है, तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सब की तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।